वंदे मातरम भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। मैं अभय सिंह स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। आज नई बात, नया विषय, नाभि में तेल क्यों लगाया जाता है, नाभि में तेल लगाने से क्या होता है, आखिर क्यों आवश्यकता पड़ती है नाभि में तेल लगाने की, इसी विषय पर हम बात करते हैं। अक्सर होता क्या है कि अनेक वीडियोस हम देख लेते हैं जिसमें नाभि में तेल कैसे लगाया जाता है, कौन सी बीमारी के लिए लगाना है, ये सब चीज़ें बताई जाती है, लेकिन नाभि में तेल क्यों लगाया जाता है इसको बहुत कम वीडियोस में बताया गया है, बहुत कम लोगों ने बताया है। इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि कम समय में जो अच्छी जानकारी, सच्ची जानकारी लोगों को मिल सके। आइए देखते हैं मित्रों, नाभि प्रकृति की अद्भुत देन है। नाभि शरीर का एक अद्भुत भाग है जो शिशु को माता के साथ जुड़ी नाड़ी से पोषण देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो 3 घंटे के पश्चात तक भी नाभि गर्म रहती है, क्योंकि नाभि से पोषण प्राप्त होता है। नाभि द्वारा सभी नसों का जुड़ाव शरीर के साथ होता है और नाभि के पीछे की ओर पैकोटि ग्रंथि या ननवेल बेटन होता है, जिससे 72,000 यानी 72,000 से भी अधिक रक्त धमनियाँ नाभि के साथ में शरीर की जुड़ी रहती हैं। इन सब के जुड़े रहने से ये सभी नई कई नसों, अंगों और ऊतकों से जुड़ी होती है और इससे नाभि पर लगाया गया तेल पैकोटि ग्रंथि द्वारा अवशोषित कर नसों, अंगों या ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। इसके पश्चात शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस होता है, हमारे शरीर को बहुत अच्छा लगने लगता है। आखिर क्योंकि नाभि वहाँ तक रक्त ये तेल पहुँचा देती है या घी पहुँचा देती है, जिससे आवश्यक जिन अंगों को आवश्यकता होती है उन अंगों को पर्याप्त मात्रा में तेल या घी मिल जाता है, पोषक तत्व मिल जाते हैं। हमारी नाभि को पता होता है कि कौन सी रक्त वाहिनी सूख रही है, इसलिए वह उसी धमनी को तेल प्रवाह कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर के जिस भाग में कमी है उसको पूरा करने के लिए नाभि में उसी प्रकार का तेल लगाना चाहिए जैसा कि उसको आवश्यकता है। इसीलिए अलग अलग हम कह सकते हैं कि चेहरे के लिए कौन सा तेल लगाना है, घुटने के लिए कौन सा तेल लगाना है, बॉडी के लिए कौन सा तेल लगाना है, और मोटापे के लिए कौन सा तेल लगाना है, गर्भवती है तो कौन सा तेल लगाना है, ये सब जो बातें बताई जाती है तो इसीलिए बताई जाती है क्योंकि कौन सी धमनी से कौन सा तेल जाता है वो नाभि को पता है, लेकिन हम कौन सा तेल डालेंगे वो हमारे अच्छे जो ऋषि मुनि थे, चरक ऋषि जैसे लोगों ने पहले ही शोध करके ये सारी चीज़ें बता दी है और उसी के आधार पर हमारी भारतीय सभ्यता सदियों से नाभि में तेल लगाते आए हैं, नाभि में तेल या घी का प्रयोग करते आए हैं। इसलिए नाभि में तेल लगाते रहने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथियों, गर्भ की उत्पत्ति नाभि के पीछे होती है और गर्भ की उत्पत्ति नाभि के पीछे होने की वजह से गर्भवती महिला जो नाभि में तेल लगाती है उसका पोषण सीधे गर्भ में पल रहे शिशु को मिलता है और गर्भ वाला शिशु स्वस्थ एवं सुंदर होता है। नाभि में तेल या घी लगाने से शारीरिक दुर्बलता का उपाय हो सकता है और होता है। आँखों की रोशनी बढ़ती है, पाचन सुधरता है, शरीर से थकान दूर होती है और अन्य अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं को दूर करने में लाभ मिलता है। इसलिए नाभि में तेल लगाते रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। जय हिंद।